Besides looking forward at the safety of the persons, it was noted that vehicles are at a risk of getting damaged. The damaged vehicles at Mangor Vasco by unknown persons on Thursday night included a black colored taxi cab, a rickshaw, and some tourist taxis. The recent fight among groups on the Mangor Hill is under suspicion regarding this incident. The vehicle owners have demanded the police for immediate investigation regarding the incident and the authorities to set up CCTV cameras in order to trace such future incidents. रात को कोर फोड़ा मालूम नहीं, आके देखने तक सब 6-7 गाड़ी का सब फोड़े लगा गाड़ी से क्या क्या लिखे गए? हाँ गाड़ी में कुछ नहीं, खाली ग्लास ब्लास सब फोड़ा है, गाड़ी डैमेज है पूरा, सब डैमेज क्या, 7-8 गाड़ी है, सब ग्लास आगे का ग्लास पीछे का साइड का सब, हमको पार्किंग नहीं, हम लोग जितना गाड़ी चलाते हैं लग के जाते हैं, रात को कौन क्या करता है क्या नहीं मालूम है, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता है सीसीटीवी और सब रखने, में 3 बजे आया जब मेरा 3 गाड़ी गया एक्चुअली, रात को मैं एयरपोर्ट से आया तब 3 बजे से पहले कुछ हुआ था एक्सीडेंट, मतलब पूरा ये गाड़ी वीडियो फोड़ के उड़ाया, अब क्या करना है, हम गाड़ी रखना है कैसे अभी इधर, हमें वही गवर्नमेंट से थोड़ा सीसीटीवी के लिए थोड़ा ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से भी बोलता है पुलिस बोल के थोड़ा एक्शन ले, पुलिस तो एक्शन लेगा, नाइट पे चेक पोस्ट रहता है थोड़ा पेट्रोलिंग बराबर करने का इसमें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद नाइक फ्रॉम वास्को फॉर HCN।